आज मैं जिस कार के सामने खड़ा हूँ उसका नाम है होंडा सिटी 5th जनरेशन मॉडल। ये होंडा सिटी का सबसे नया मॉडल है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 10.99 लाख रुपीज़ और इसके टॉप मॉडल की कीमत है 14.94 लाख रुपीज़। तो आज मैं जिसके सामने खड़ा हूँ उसका नाम है होंडा सिटी ZX CVT पेट्रोल। इसकी कीमत है 14.77 लाख रुपीज़। ये इस सेगमेंट की सबसे लग्जरी कार है जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको किसी और कार में नहीं मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इसके डिज़ाइन से। डिज़ाइन में इसमें आपको फुल LED हेडलैम्प्स विद 9 LED एरेज के साथ इनलाइन शेल, इंटीग्रेटेड LED DRL और L शेप्ड LED टर्न सिग्नल मिलेगा। LED फॉग लैंप है नीचे की तरफ और सिटी की नेम प्लेट है। नीचे की तरफ भी क्रोम डिज़ाइन मिलेगा और ऊपर की तरफ भी आपको क्रोम ग्रिल मिलेगी जिसमें आपको होंडा का बैच है। ये जो कलर है वो है मॉडर्न स्टील मेटेलिक और इसमें 4 और कलर के ऑप्शंस भी आते हैं जिनका नाम है रेडिएंट रेड मेटेलिक, प्लैटिनम वाइट पर, लूनर सिल्वर मेटेलिक और गोल्डन ब्राउन मेटेलिक। इसके डायमेंशन में आपको विड्थ मिलेगी 1748 mm की और इसकी टोटल लेंथ है 4549 mm की। अब इसके हाइट की बात करूँ तो इसमें हाइट आपको मिल जाती है 1489 mm की जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस सेगमेंट की किसी भी कार के लिए। और इसका टोटल कर्व वेट है 1153 kg। इसमें आपको मिलेगी वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ और शार्क फिन एंटीना। पीछे का ग्लास में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक डिज़ाइन दिया हुआ है। क्राउन का नेम, पीछे का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग है इसका। बीच में नंबर प्लेट पे ऑल न्यू सिटी का बैजिंग, होंडा बैच के नीचे क्रोम डिज़ाइन दिया हुआ है। रियर बम्पर में भी काफ़ी ज़्यादा क्रोम फिनिशेस दिए गए हैं। इसके टेल लैंप में आपको मिलते हैं जेड शेप 3D रैप अराउंड टेल लैंप LED इंडिकेटर के साथ। ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा क्रोम डिज़ाइन रखा गया है। ऊपर कार का नेम है ZX CVT मॉडल। आर 15 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, 16 इंच के अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन है इसमें आपको। नीचे भी क्रोम का डिज़ाइन दिया हुआ है जिसपे सिटी का नेम है। आगे की व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलेंगे आपको, ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं, डोर मिरर्स। ऑटो फोल्ड डोर मिरर्स हैं विद LED टर्न सिग्नल के साथ और नीचे की तरफ लेन वॉच कैमरा है जो कि इसमें यूनिकली माउंट किया गया है डैमेज प्रोटेक्शन के लिए। और नीचे की तरफ भी क्रोम के डिज़ाइन है और डोर हैंडल्स पे भी क्रोम की फिनिश दी हुई है, आप देख सकते हैं। आगे के डोर पे भी क्रोम की फिनिश है, मैचिंग डोर कवर्स हैं। सेफ्टी में इसमें आपको मिलेंगे एजाइल हैंडलिंग असिस्ट, 4 रियर पार्किंग सेंसर्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, 6 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, मल्टी एंगल रियर कैमरा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद ABD के साथ, वेरिएबल इंटरमिटेंट वाइपर मिलेंगे। बात करूँ इसके इंजन की तो इंजन में इसमें आपको आता है 4 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 119 की हॉर्स पावर और 149 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और आपको माइलेज मिलता है इसमें पर लीटर पे 18.4 किलोमीटर्स का। तो चलते हैं अब इसके अंदर। डोर पे क्रोम फिनिश है,
दरवाजों के नीचे सॉफ्ट टच लाइनिंग दी हुई है, ORME की कंट्रोल, पावर विंडो की कंट्रोल, क्रोम हैंडल्स, बोतल होल्डर के लिए स्पेस। तो ऐसा दिखता है डोर। स्टफ प्लेट, हाइट एडजस्टेबल सीट्स हैं, थाई सपोर्ट्स के साथ हैं सीट्स। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। AC वेंट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट स्टॉप इंजन का बटन है। अब चलते हैं इसके अंदर। तो ऐसी दिखती है टच स्क्रीन। 20.3 सेंटीमीटर की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। यहाँ पे मोड में जाने के बटन्स दिए हुए हैं, इको मोड, लेदर शिफ्ट नॉब है। आर्मरेस्ट पे भी सॉफ्ट लाइनिंग दी हुई है, आर्मरेस्ट के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। काफ़ी सारे कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील पर ही दिए हुए हैं। 20.3 सेंटीमीटर की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है और क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स नीचे दिए हुए हैं और डार्क वुड फिनिश है। तो ऐसा दिखता है स्टीयरिंग व्हील। नीचे की तरफ एक्सीलेटर और ब्रेक है। अब चलते हैं पैसेंजर ड्राइवर सीट पर। क्रोम फिनिश, क्रोम डोर हैंडल्स हैं। ऐसा दिखता है डोर। पावर विंडो के कंट्रोल्स, बोतल होल्डर के लिए स्पेस, AC वेंट्स दिए हुए हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल है, वैनिटी मिरर, सनरूफ के कंट्रोल्स दिए हुए हैं और लाइट्स दी हुई हैं, सन वाइजर है पैसेंजर ड्राइवर सीट के लिए और ड्राइवर साइड के लिए भी। अब चलते हैं पीछे वाली सीट्स पर। तो ऐसा दिखता है पीछे का डोर। अगर आपको इस सेगमेंट में कोई लग्जरी कार चाहिए जिसमें आपको पीछे बैठना है तो ये बेस्ट है। उसमें कप होल्डर्स दिए हुए हैं आर्मरेस्ट पर। लेदर सीट्स हैं, इसकी सीट्स लग्जरी हैं और जो कि बेस्ट है इस सेगमेंट में। पॉकेट दी हुई है सीट के पीछे। रीडिंग लाइट्स हैं। AC के वेंट्स दिए हुए हैं पीछे की तरफ। अब बात कर लेते इसके बूट की। तो इसमें आपको बूट मिलेगा 506 लीटर कैपेसिटी का। प्लेट दी हुई है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी है कार से रिलेटेड। नीचे की तरफ स्पेयर व्हील दिया हुआ है। अब करते हैं बूट क्लोज।
इसकी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में आपको सारे कार के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। इसमें आपको रेडियो, यूएसबी, ब्लूटूथ म्यूजिक, फोन, एप्स, सेटिंग में लैंग्वेज, ब्लूटूथ, रियर कैमरा, लेन वॉच, फैक्ट्री रीसेट, लैंग्वेज में इंग्लिश, यूके, यूएस, ब्लूटूथ में हेडफोन, ऑडियो में सारे कंट्रोल्स मिलेंगे आपको। क्लॉक, ऑपरेटिंग थीम, रियर कैमरा, RDS, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, फैक्ट्री रीसेट,